आखिरी लॉकडाउन था, बढ़ गया है लॉकडाउन फिर से, कहीं बनी नहीं ऐसी चीज, ऐसी चीज कहीं ना कोई बना सकता ना बनेगी। और जब मैं कैमरे में देखता ना तो अलग आगे चली जाती मेरी। जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा, आ जा जल्दी ना, आ जा। आज मैं आया गौतम के घर पे। ये रहा देखे देखे पानी वानी मत गिरा दे। अच्छा ये क्या ब्लॉग वाली है? आज लॉकडाउन का मतलब आखिरी लॉकडाउन था, बढ़ गया है लॉकडाउन फिर से 17 तारीख तक का। लेकिन आज इतने दिनों बाद घर से बाहर निकले तो बहुत मजा आएगा। आज घर से बाहर नहीं निकला, मतलब ये तो घर से बाहर निकला मेरे घर पर आ गया। सही बात है, मैं निकला हूँ लेकिन मास्क वास्क लगा के निकला हूँ, पूरा सैनिटाइज होके निकला हूँ। और आज मैंने इसका बकायदा चेकअप कराया, रिपोर्ट जब नेगेटिव आई है तब जाके मैंने इसको अलाउ करा घर के अंदर घुसने के लिए। सही बात है। और दूसरी चीज, आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी फेमस रेसिपी, जो आज तक शायद ही किसी ने देखी है। अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आपने फॉलो किया हुआ है तो पनीर कहीं बनी नहीं ऐसी चीज, ऐसी चीज कहीं इतना कोई बना सकता ना बनेगी। मैं बनाऊंगा, लेकिन यही अकेला बना सकता है। हाँ, तो अभी हम दिखाते हैं और जो जो इन्जॉयमेंट करेंगे अभी हम सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। सब तो नहीं, कुछ चीजें दिखा नहीं पाएंगे तो वो कट जाएगी, वो सेंसर्ड हो जाएगी। उसके लिए हम एक अलग वेबसाइट बनाएंगे, उसमें हमारा प्राइस रहेगा। अगर आपको वो चीज भी देखनी है तो आप खरीदना पड़ेगा आपको। जैसे नेटफ्लिक्स का करते लोग। ये देखिए आटा मांडा जा रहा है, हमारा भाई आटा मांड रहा है। नाम कर देते हैं भाई साहब ऐसे करके छेद। और इसमें डाला जाएगा पानी, पानी क्योंकि यार मेरे को तो आटा नहीं है आटा मांडना, तो इसलिए मैं मांड नहीं रहा। मुझे रोटी बनानी आती है अच्छे से। मेन सब्जी का आइटम मेरा है, सब्जी का मैंने ठेका उठाया हुआ है क्योंकि बहुत बढ़िया सब्जी मैं बनाता हूँ। इन लोगों को चार पाँच बजे तक हमारा खाना बनेगा। मतलब इन लोगों ने बहुत टेस्ट किया हुआ है, मेरे को कहते हैं कि एक रेस्टोरेंट खोल ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन फिर आज पता चल जाएगा कि मैगजी को रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। आज एक चीज और है, आज मेरे भतीजे का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे मुकुल। तो आज हो सकता है मैं उसके लिए भी कुछ बनाऊं। तो आज का पूरा दिन मेरा बिजी है और खाने के ऊपर ही है पूरा दिन मेरा। अगर यहाँ से फ्री होके मैं सही टाइम पे घर पहुंच गया तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि नहीं हो पाएगा। 8 बजे से पहले मैं इसको भेजूंगा। आटा मारने के लिए रेस्टोरेंट के लिए तो ये हमारा दोस्त काम आ जाएगा, रेस्टोरेंट में आटा मारने के लिए। पैर से करूंगा ऐसे करके। देखिए कि आप लोगों ने वीडियो। रोटी बनाऊंगा मैं। मैं ऐसे खाना बनाऊंगा, इंसान है जो रोटी ऐसे देते हैं गंदगी से। पोटा नान घूम चुका है हमारा। इतनी मेहनत के बाद, घी भी डालने के बाद मस्त आटा गून दिया है इन्होंने, एकदम गोरा चिट्टा। तो ये है हमारा न्यूट्रिला जो सोयाबीन का चूरा होता है। खास लो, खास बदन, फॉर्च्यून। और यहाँ हमारी प्याज कट रही है तो अभी इसको भिगाने के लिए डाल देंगे हम, और तब तक हम प्याज टमाटर काटेंगे। तो ये हमने डाल चुके हैं पानी के अंदर, तब तक हम प्याज काटते हैं। ये रेसिपी बहुत से लोगों को मैंने प्राइवेट रखी हुई थी, किसी को नहीं बताया हुआ था, लेकिन आज ये ऑफिशियली हो जाएगी। इसे आप भी अपने चाहने वाले के लिए बना सकते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए, प्यार से जैसे हम बना रहे हैं। हमारा बेचारा एक दोस्त जो नहीं आ पाया, मुकुंद बेचारा कोरोना हो रखा है उसे। भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उसका तोकर वापिस आए, जो कि ये बहुत बड़ा जोक था एक, जो कि इन्होंने मारा है, लेकिन रखेंगे जरूर हम ब्लॉग में ताकि उसको पता चले कि उसकी टीचर। जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा, आ जा छेदी नाल, आ जा।
सकती। जल्दी आ, हेलमेट हेलमेट लगाकर आ जियो। कोई रोके, मैं कहता रहा हूँ, तू ये बोलते भाई, मैं जोमेटो में काम करता हूँ। देखा ठस्सा बताया जा रहा है पैंडेमिक में निकलने में। तो सब कुछ तो हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे, प्याज और शिमला मिर्च को। टमाटर डालेंगे बाद में। इसके अंदर हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी और डाल देता हूँ। इससे पहले हम हरा धनिया डाल चुके हैं। और हरा धनिया डाला? हाँ। ये क्या चीज़ है? नमक। ये नमक है? और ये क्या है? नमक। ये क्या है? नमक। ये क्या है? नमक। मतलब हर ये है नमक, ये है नमक, ये है नमक, ये है नमक। चलो ठीक है, नमक, ये हल्दी, ये धनिया। नमक थोड़ा सा डाल देता हूँ मैं, और हल्दी भी डाल चुका हूँ मैं इसके अंदर। तो इसको अब धनिया वनिया, धनिया वनिया सब डाल दिया। वो वाला हरा धनिया डाला? हरा धनिया नहीं डाला, पत्ते वाला बाद में, बाद में डाला वो, बाद में डाली। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, मिला देते हैं। एक्स्ट्रा मसाले, मैगी मसाले, सच सच MDH, मैं MDH की एवी नहीं है। ये पान मसाला डाला है क्योंकि मुंह में रजनी गंदा, कदमों में दुनिया। अजय देवगन का बड़ा फैन है हमारा। तो मैगी मैगी मसाला डाल रहे हैं, 3 पैकेट। थोड़ा पानी डालेंगे हम इसके अंदर। मुकुट को लग रहा मैगी बना रहे हैं। मैंने कहा भाई मैगी तो मैंने पहले बना कर दी। तो अब हम इसको ढक देंगे ताकि तेल बाहर आ जाए, अलग हो जाए तेल। तो इस पनीर को काटने के बाद हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और देखते हैं कि, वैसे तो कढ़ाई ने तेल छोड़ दिया होगा। तो ये हमारा पनीर बन चुका है और ये पनीर हमने रखा है, चूरा डाल देंगे ऊपर से। तो इसको हटा के देखते हैं ज़रा। तो देखो भाई साहब क्या वाह शक्ल आई है, क्या स्वाद आ रहा है, सुगंध से एक नंबर है भाई। तो अब इस पनीर को हम इसके अंदर डाल देते हैं। डाल दीजिए। ये हमने सोयाबीन का चूरा ले लिया है, इसका पूरा पानी बाहर निकाल के, और इसके अंदर हमने 1 कप पानी और डाला है, मतलब 1 ग्लास पानी और डाला था ताकि ये इसके अंदर पूरा भीग जाए। तो डालना पड़ेगा पानी। अब इसको हम कर देंगे मिक्स। अब इसको हम ढक देंगे 15-20 मिनट तक। मिलते हैं। हाय गाइस, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आपातकालीन स्थितियों में खाना कैसा बनाया जाए। हमारे साथ दो शेफ जुड़ चुके हैं, शेफ गौतम मिश्रा जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है रोटी सब्जी का। तो आज हमारे साथ में शेफ क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा शेफ हमारे हैं मिस्टर मयंक वर्मा, और ये वो दोस्त आ चुका है अपना जिससे वीडियो कॉलिंग हो रही थी। हाय, तो सब्जी की शक्ल दिखाइए। सब्जी की शक्ल ये रही और बहुत बढ़िया सब्जी होनी है। देखिए इन्होंने सोयाबीन, ये नाम बताएंगे सब्जी का। दिस इज अ कीमा चाप, वेज कीमा चाप, पनीर न्यूट्रिला, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। अभी खाएंगे तो सारे रोटी बना ले। देखिए दिखने में तो अच्छी लग रही है। मक्खन डाल लेंगे थोड़ा। देखिए सफेद मक्खन इन्होंने
गाँव का अभी निकाला, भैंस बाहर खड़ी है, दिखा नहीं सकते। इन दिनों मक्खन बना रहा था। मक्खन आप समझ गए होंगे लॉकडाउन में मक्खन कैसे बनता है। मक्खन बनाना तो मैंने सिंगल लौंडों का मक्खन पता पतला यार, एक ही रोटी इतनी बड़ी कर दी। गोल तो कर दी बीवी से बहुत। भाई क्या बात है गाइस, रोटी पलटी जा रही है क्योंकि सिकी भी नहीं है, फिर भी पलट दी है। इन्हें परांठा बनाएंगे अब। पतली पतली बना, ये तो तीन रोटी में खत्म आटा। तो तुझे क्या लगा था 6-7 रोटी चलेगी? मैं इसको बोल रहा था ये फलोतन तो कम ही था, आटा तो कम था ही। कम था? मैं इसको बोला था। तू दोबारा खोल लेंगे क्या हो गया? तो यहाँ क्यों देख रहा है? यहाँ देख ले, यहाँ कैमरा कहाँ? यहाँ तो देख रहा हूँ कैमरे में। कैमरा और जब मैं कैमरे में देखता था तो अलग आगे चली जाती मेरी। अच्छा। इसलिए ऐसे देखना पड़ता है। घर आके दोस्तों में ऐसी शक्लें दिखाता है। अब बताओ क्या ही बोले। बस 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 हो गया। तेरी फ्लैश आ गए ना मेरे पे लग रही है। कह रहा बंद कर दीजिए बत्ती का। इधर दिखा ना। हाँ वो ये परफेक्ट। आप पतली पतली मेरे आप घूमेंगे ना वो फूलेगी। अब घुमा इसे, डोसा बन गया तो। इसको मैच अब कर तो दिया। और कह रहा कह रहा मेरे कह रहा मेरी वीडियो में बन लीजिए। दिला दी साले हटा इसको। चलो मैच बंद। ये रोटी बन गई है, अब ये गाय को जाएगी। हमारा बाहर से खाना आ रहा है। खाना आ रहा है हमारा गाय। टेस्ट करके बताइए, टेस्ट करके बताइए कैसा है। ठीक है भाई, अब हम फ्राई रोटी टेस्ट करके दिखाएंगे इसको। ठीक है करके रोटी सब्जी ये का भाई हमारा खाना। आप पनीर देख सकते हैं, पनीर देखिए कितने गाढ़े हैं। चाहिए हमारा कैमरामैन भी हमारे जुड़े हैं और लोग यहाँ पे नहीं नहीं बोल 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 नहीं नहीं बर्थडे है। तो घर पे भी आके मैंने सब्जी बनाई है, तो पूरा टाइम ऐसे ही चला गया और इस चक्कर में एंडिंग थोड़ी लेट हो रही है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखो, कोविड का टाइम वैसे ही चल रहा है और बस किसी तरह टाइम निकालना है। ये अपने अपने घरों में रहो और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो।